दादी ना नो बैड मैनर्स बैड मैनर्स। हाँ भाई, मेरे को नहीं लगता मैं एस्केप कर पाऊंगा। मेरे को थोड़ा अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी। हेलो, तो कैसे आप सब लोग? आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी 2। और हाँ, हम लोग इस पे ग्रैनी के अलावा ग्रैनी का जीवन साथी यानी कि ग्रैंडपा भी देखने वाले हैं। इस गेम में हम लोग को ग्रैनी के घर से ग्रैनी ग्रैंडपा के घर से एस्केप करना होगा, जो कि थोड़ा बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि ग्रैनी 1 में सिर्फ ग्रैनी थी और ग्रैनी 2 में ग्रैंडपा यानी कि ग्रैनी का जीवन साथी भी होने वाला है। और तो फटाफट बिना किसी बकवास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे को बहुत टुकड़ टुकड़ देखे जा रहे हैं और मेरे को उनको मारने का मन कर रहा है। चलो फटाफट अपनी डिफिकल्टी इजी में रखते हैं भाई, कोई हम लोग इतने प्रो नहीं है भाई, मेरे को बहुत डर लगता है। और बाकी सब सेटिंग्स ठीक है, चुप फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो ऑलराइट, तो डे 1 में हम लोग आ चुके हैं। ग्रैनी का घर थोड़ा एडवांस हो चुका है, वैसे भी उसका पति का घर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। ग्रैनी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, मेरे को अपने सूत्रों से पता चला ग्रैनी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने ग्रैनी के सीक्रेट्स खोले थे तो ग्रैनी ने अपना घर चेंज कर लिया। और जो मैंने अभी देखा ना, ग्रैनी और ग्रैंडपा के अलावा यहाँ पे एक और बंदा है भाई। यहाँ पे कोई तो एलियन भूत दिखा था भाई। अब मत बोलना कि ग्रैनी ने ये सब फालतू चीजें पालने लग गई है भाई, अपनी तरह की चीजों को पालती है, उनको गुस्सा आती है। चलो अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते भाई। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है मेरी चेकअप करने के लिए। और ये क्या है? डोर लॉक। तो आज हम लोग डोर एस्केप करेंगे क्या? अरे बाप रे दादाजी, चाबी लटकी हुई है इसके गले में, तो चुरानी पड़ेगी। वो कैसे चुराऊंगा मैं? लेकिन मेरे को पहले से बचना पड़ेगा। यहाँ पे एक बेड है तो मैं यहाँ पे बेड पे छुप जाता हूँ। वैसे भी वो मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा, वो एक नंबर का नूबड़ा है, क्योंकि वो ग्रैनी का पति है। ग्रैनी भी पागल, ये भी पागल, हम लोग दोनों को पागल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई इसके हाथ पे डंडी कितनी बड़ी है भाई, मेरे रैप्टा मारेगा मैं तो मर जाऊंगा। ब्रो इससे बच के रहना पड़ेगा, मुझे ग्रैंडपा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तब भी इसके पीछे चलते हैं, आराम आराम से चलेंगे। अरे भाई इसने मेरे को देख लिया, दादी भी आ रही है, दोनों ने देख लिया। हो बचना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा। दादी तो नहीं आ रही ना भाई, दादी आ जाएगी तो मैं तो गया। ओ नहीं, उसने मेरे को देख लिया उसने। नहीं दादा, ओ नहीं देखा भाई, ये भी अंधा है। अंधे भाई, अंधों की फौज है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं भाई, इन लोगों को थोड़ी देर पहले चले जाने देते, क्योंकि ग्रैंडी ग्रैंडपा दोनों है। फिर हम लोग जब चलेंगे, जब हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ग्रैंडपा तो यहीं पर है, कैमरा चेक कर रहा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अबे भाई ग्रैंडपा यार, ये मेरे को जाने नहीं देगा यार। ग्रैंडपा भाई गाना गा रहा है, ओ माय गॉड। भाई ग्रैंडपा को तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए। ये बोट की इसने, अच्छा बोट नीचे रखा हुआ था, ओके चलो ठीक है। और ये है आई थिंक सो डोर, यहाँ पे बिजली है भाई, बिजली वाले गाने पे डांस होगा। ग्रैंडपा गाएगा, ग्रैंडी नाचेगी भाई, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ का दरवाजा खुला हुआ है, वो कौन सा प्राणी है? मकड़ी। एक सेकंड में दरवाजा बंद कर देता हूँ, वरना ग्रैनी जंप स्केयर दे देगी। ये बाथरूम है, ओके ये क्या है? अ पीस ऑफ पिक्चर, ओके इसको उठा लेते हैं। लेकिन पिक्चर से बस मेरे को बोनस डे मिलता है, वो किसी काम का नहीं है। मैंने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर दिया। ग्रैनी यहाँ पे आती होगी, और वहां पे ग्रैनी ने एक और बच्चा पाल के रखा है भाई। ये कसम से ग्रैनी क्या क्या पालती रहती है। और ये ऊपर खुला हुआ है, ओके ठीक है चलो। वो देख मकड़ी। अरे भाई, ओ माय गॉड भाई, इससे तो मुझे खतरा तो नहीं है। और मुझे पता है ये पानी थोड़ा पॉइजनस है, तो मैं यहाँ पे जा नहीं सकता। यहाँ पे वो होता है ना मॉन्स्टर। ब्रो ये कैसी आवाज आ रही है? पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा होगी कि नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन भाई ये क्या बंदा है? वहां पे भी भाई कैमरा लगा हुआ है भाई, अच्छे से खेलना पड़ेगा। ये मेरे को फ्यूज का नहीं, उसमें मेरे को काम नहीं पता है। तो जैसे कि मैं ये डोर एस्केप करने वाला हूँ, तो यहाँ पे फेंक देता हूँ, शायद ये काम पे आ जाए और हम यहाँ पे छुप जाते हैं, क्योंकि मैंने साउंड प्रोड्यूस कर दिए। ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों आ जाएंगे, फिर मुझे भून के रख देंगे। अभी उस कैमरे से लाइट जल रही थी, रेड लाइट जल रही थी, मैंने अभी देखा था। कोई देख रहा हम लोग को कैमरा से क्या? मैं इस डोर से निकलू? कोई है तो नहीं आसपास, चलो निकल ही लेते हैं। ओए इसके अंदर भाई क्या क्या सीक्रेट रूम्स है यहाँ पे। तो ये देखो जली लाइट। हेलो, अगर ग्रैंडपा तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तेरे को फोड़ के रख दूंगा। अरे दादी, दादी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, आपका पति बहुत अच्छा है। ओए
उसने मेरे को कैसे देखा, मैं तो उससे पहले ही छुप गया था। शायद मेरे को नीचे बैठना होता है। ओके डे टू भाई, डे वन हम लोगों ने बहुत बेकार तरीके से बिताया है, लेकिन हम लोग को थर्ड फ्लोर पे जाना है। ओ सॉरी, ये ग्राउंड नहीं, कितने फ्लोर है भाई इस घर में? ये बोर्ड वाला ग्राउंड है, ये आई थिंक सो फर्स्ट है, और ये जहाँ पे ग्रैनी ने अभी उनको मारा वो सेकंड फ्लोर है, और भाई इसके ऊपर थर्ड फ्लोर। ब्रो ग्रैनी की अमीरी, ओ माय गॉड, ग्रैनी का पति भाई बहुत अमीर है। यहाँ पे कोई है तो नहीं ना? ठीक है यहाँ पे चेक कर लेते हम लोग, कुछ है यहाँ पे? भाई ये सब व्हील व्हील मेरे को नहीं चाहिए। दादी ना, नो बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। हाँ भाई मेरे को नहीं लगता मैं एस्केप कर पाऊंगा, हमें को थोड़ा अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी। डे थ्री, मैंने सुना है कि हम लोग को एक गन मिलती है, एक इलेक्ट्रिक गन होती है और एक कट्टा होता है। ओके और यहाँ पे आई थिंक सो ये कोई डिब्बा है, इसको खोल कर देखते हैं। यहाँ पे क्रोबार चाहिए, क्रोबार, कौवा, अच्छा क्रोबार तो टूल होता है ना भाई, मेरा सेंस कितना बेकार। अरे दादाजी, अरे भाई इसके हाथ में क्रोबार है, इसको मैं कुछ रखा है नहीं, ये क्या है? अरे I'm very sorry, ओए भाई मैं फंस गया, फंस गया, मैं फंस गया दादा, नहीं ब्रो वो दरवाजा नहीं खुल रहा था यार। भाई डे फोर, भाई दो दिन बचे भाई, इतना नूबड़ा तो नहीं हूँ भाई मैं इस गेम में। भाई मेरे को एस्केप करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं करना पड़ेगा भाई। फिर मुंह पे खून खून आ गया है, मुझे पता नहीं था यार मैं इतना नूबड़ा हूँ। ग्रैनी ग्रैंडपा भाई बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे एक बार चेक करने दो, इसके अंदर आई थिंक कुछ नहीं है। अब मेरे को भाई पूरा एस्केप करना पड़ेगा, अब मेरे को थोड़ी पावर जागृत करनी पड़ेगी अपने अंदर से। भाई बस मेरे को एक वेपन मिल जाए ना, दोनों को भून दूंगा मैं। अरे कुछ खुल ही नहीं रहा है बे, भागो 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 भागो, दादा ना जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ग्रहणी की आंखें देखो बिल्कुल उसके तरह मिलती है। दादी दादी ना, दादी से तो मैं नहीं मरने वाला, ग्रैंडपा का मेरे को अभी काम पता नहीं, ग्रैंडपा क्या करता है। ग्रैनी को तो हम लोग आराम से बेवकूफ बना चुके, लेकिन इसका पति थोड़ा दिमागदार है, वो दिमाग से खेल रहा है, वो स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है मेरे को मारने के लिए। वो ट्रैप लगा था क्या यहाँ पे? ये ट्रैप लगा रही है क्या दादी? हाय हाय, अरे दादी अपने ट्रैप में फंस जा, फंस फंस, नहीं फंसी, और चालू है ये, फंसती नहीं अपने ट्रैप में, क्यों क्यों? चलो भाई भाई ये भाई बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे मैं इजिली छुप सकता हूँ। आ जा आ जा, नीचे तो देख लो भाई मैं छुपाऊ। What the hell? Bro, गाना बज रहा है? Bro, अच्छा गाना था वैसे वो। दादी मेरे को वापस देखना ले अब। अब इसकी स्कर्ट इसके बाहर निकल लिए, वो पहले चली जाए तब मैं जाऊंगा, जाने दो उसको आराम से। अरे यार हटो, देख लिया। ओ दादी दादी, भागो 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 भागो, भाई ग्रैंडपा अगर आ गए तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे को जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे को ग्रैंडपा का नीचे आ गया तो मैं भाई हो गया भाई, मुझे ग्रैंडपा को एक बार देखना है भाई। ग्रैंडपा ऊपर डांस कर रहा है क्या गाने चला के? भाई ग्रैनी को जाने दो यार थोड़ी देर, चलो अब चलते हैं भाई। भाई दादी प्लीज जाओ यार, तेरी स्कर्ट भाई ये देख इतना, भाई दीवार भी इतनी पतली है कि ग्रैनी की स्कर्ट भी यार पार हो रही है, सही है भाई। अरे वो दो मैं गया। ब्रो दोनों आ गए थे, मैंने देखा था दोनों आ गए थे। शेट यार आखिरी दिन है शायद, नहीं कंफर्म आखिरी दिन है, लास्ट लेके भी आ गया भाई। यार मैं इतना नूब तो नहीं हूँ यार, क्यों मुझसे क्यों एस्केप नहीं हुआ जा रहा है? आई थिंक सारे ट्रैप सब तो हट जाने चाहिए। ब्रो मेरे को ऊपर जाना है, फटाक से ऊपर चलते हैं। यहाँ कोई है नहीं, यहाँ पे इतने सारे दरवाजे हैं, इसको खोल के देखते हैं। दादी नहीं मत करो चीज मेरे को, दादा दादा को फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जा रहा हूँ, दादा अपना बिजी है, दादा जा रहे हैं बोर्ड चलाने। तुम ये पकड़ो ग्रैनी, टेप, टेप का मुझे कोई काम नहीं है शायद। ऊपर चलते हैं अब फटाफट से। आई थिंक यहाँ पे कुछ, ब्रो प्लीज यहाँ पे कुछ, इतना दूर पता नहीं मैं क्यों आया हूँ। हट जाए, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, चल हटा ही हटा। नो ब्रो आई डोंट वांट टू प्ले योर हाइड एंड सीक, आई जस्ट वांट अ डैम गन, बंदूक, यू नो बंदूक कहाँ मिलेगा भाई मेरे को? कटिंग प्लायर्स में कोई यहाँ मिल गया, इसको से उठा ले। ओए ओए एक सेकंड,
ब्रो आर यू किडिंग मी, कटिंग प्लांट में कोई तार तो दिखा था यहाँ पे पेंटिंग के पीछे एक, ये देखो इसके पीछे तार है एक। दादी मार तो नहीं पाएगी ना मेरे को? हाँ चलो भाई ये देखो, और कटिंग ब्लास्ट में ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ, नहीं इसको ऐसे बाहर फेंक देता हूँ ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा जो सामान है वो सब कहाँ मिल सकता है। हो आर यू सीरियस, यही तो गन है जो मेरे को चाहिए थी। आ बेटा आ ग्रैनी तुमको, व्हाट द हेल, लो तुम मुझे एमओ दो वरना इसका पति भी आ जाएगा। ग्रैनी इज गॉन फॉर 2 मिनट्स, ओके आ बेटा सा गाना खोल दिया मैंने, अब वो दादा आएगा। बस भाई मेरे को ब्रह्मास्त्र मिल गया ना, उसको दूर से शूट करूंगा मैं। ले चल मेरे को ये एमओ दे, और ये अभी जाओ मेरे को ये मीट चाहिए क्योंकि मीट से कुछ आई थिंक सो होता है। नहीं मीट से कुछ नहीं होता है। मेरे को एक सेकेंड ब्रो, इसको सिक्योरिटी की, चलो 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 सिक्योरिटी यही तो चाहिए था मेरे को। अब आई थिंक सो यहाँ पे कुछ, ये सब क्या है? अच्छा भाई ये निगरानी करता था बदतमीज आदमी। चलो वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेड में चल के देखते हैं। आई थिंक सो बेड में यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये छुपने की जगह है। अब भाई मेरे को थोड़ा जोश आ रहा है, डोर हैंडल ये चाहिए मेरे को, डोर हैंडल चाहिए मेरे को। अब थोड़ा जोश आ रहा है मेरे मुझे, अब भाई कसम से कोई नहीं हरा पाएगा मेरे को। भाई यही दरवाजा था जो मैं फंसा था, अब मैं नहीं फंस सकता हूँ। अब ग्रानी को मैं तब प्यारा चकमा दूंगा ना, हिरोशिमा नागासाकी कर दूंगा मैं उस। आई थिंक सो 2 मिनट हो गए होंगे, अब पक्का ग्रानी आ गई होगी, तो मेरे को थोड़ा वेट करने दो उसका। और ये मेरे को हैंड व्हील, पता नहीं इसका क्या काम है लेकिन तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं हैंड व्हील। लेकिन एक सेकेंड, मैंने फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे मेरा कमरा था उसके बगल में मैंने एक चीज देखी थी जहाँ पे ऐसा कुछ व्हील टाइप लग सकता है, वहां पे पक्का लगेगा। और भाई यहाँ पे ग्रैनी अपने हाथ धो रही थी, क्यों भाई मेरा खून उसको अच्छा नहीं लगा। ओके मैंने गाना स्टार्ट कर दिया है, अब ये लोग आ सकते हैं। जल्दी आओ यार इनको मारना है इन लोग को, मैं यहाँ पे से छुपी छुपी छुप जाता हूँ। ये लोग आ क्यों नहीं रहे, डर गया मुझसे? वाह भाई डर गया यार, ग्रैनी बहरी हो गई है क्या, वो आ क्यों नहीं रही है? ग्रैनी उसे गाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये लो दादा भागते भागते आएगा, अरे मेरी बीबी को किसने मारा? ओ ले ले ले, ओए बिजली कैसे चली गई इसकी? दादा तू आजा आजा। ओ ले 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 ले, कोई बात नहीं बाबू मुझे बस मेरे को अपनी एमओ दे दो और उसे गन को फेंक दो। मेरे को हैंडल चाहिए, मेरे को हैंडल पड़ा हुआ था, हाँ ये हैंडल यहाँ पे लगेगा आई थिंक सो कहीं पे, और ये हैंडल यहाँ पे नहीं है, ये ओके हैंडल यहाँ पे लगेगा। और ऊपर एक व्हील थी, व्हील वहां से हम लोग लेके आते हैं। चलो ये व्हील ले लेते हैं। भाई मेरे पैर लुढ़क रहे हैं यार, अगर मैं एक बार भी मर जाता हूँ ना तो भाई मैं इतनी मेरी प्रोग्रेस चली जाएगी। एटलीस्ट मेरे को एक दिन तो और चाहिए, टाइम चाहिए था। ओके इसका पता नहीं है मेरे को क्या हुआ है, लेकिन तब भी जो भी हुआ है बहुत अच्छा बात हुआ है। अब मेरे को क्या करना है? हाँ आई थिंक सो मेरे को जो मीट है, मेरे को मीट ले जानी है और मीट को उस पिल्ले को दे देना है, ग्रैनी को पिल्ले को। भाई मेरे को पता क्या लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, ये कैसे बंद होगा भाई? खाएगा तू? ये ले। अरे बाप रे बाप, चला गया मेरा, मेरी मेहनत चली गई। और ये यहाँ पे कुछ चमक रहा है ना, ये कुछ चमक रहा है भाई। अब पक्का ऐसे 2 मिनट हो गए होंगे। अपनी बंदूक उठाता हूँ मैं, और मैंने ये दरवाजा चेक नहीं किया ना, कुछ तो डाउट था मेरे को। सेफ की मेरे को नहीं पता कहाँ मिलेगी। रेंच, रेंच का क्या काम है? आओ भाई कौन पंगा लेगा मुझसे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। पता नहीं ये लोग कहाँ पे क्या क्या छुपा के बैठे है। यहाँ पे कोई सीक्रेट जगह भी तो नहीं है ना पेंटिंग के पीछे, क्या पता कि वो सीक्रेट जगह लोग छुपा के रखते हैं। लैंटर्न के अंदर कुछ कुछ नहीं। एक बार दोनों को मैं फिर टपका देता हूँ, फिर मारते हैं इन लोगों को, मजा आएगी फिर। अब बोलो मेरे को ढूंढ ढूंढ के मारा था, अब मैं इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारू। बोलो अच्छा लग रहा तेरे को? आ जा दादा फिर आएगा। अरे मेरी बीबी को किसने मार दिया? अरे भाई भाई जंप स्केयर दे दिया बंदे ने, अच्छा वो मेरा एम सेट था वरना भाई क्या हो जाता मेरे को पता नहीं चलता। भाई वो क्रोबार चाहिए यार, और पैडलॉक की, क्रोबार और पैडलॉक की कहाँ पे मिलेगा? इसकी क्रोबार लेनी क्या मेरे को? मेरे को एक बार जूट टेप का काम देखते हैं, जूट टेप का काम आई थिंक सो बोट में होगा, बोट में फटाफट जाके देखते हैं वहां पे कुछ हो सकता है कि नहीं। भाई मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार, लास्ट डे पे मैंने क्लच मारा भाई, क्लच भाई इस बार में सब्सक्राइब तो बनता ही है। और आई थिंक सो ये ना, नहीं स्पार्क क्लब टेप, यहाँ पे कुछ ब्रो पैडलॉक की और क्रॉसबो, अरे क्रॉसबो नहीं क्रोबार भाई मेन है, वो मिल जाए ना तो भाई बल्ले बल्ले अपनी, लेकिन बल्ले बल्ले होने के लिए वो मिल भी तो नहीं रहा ना मेरे को, दिक्कत की बात वो है। क्रॉस कहते हैं
ये गन मैं अपने हाथ पे रखता हूँ और ये क्या है, डोर लॉक। ये कहीं पे लगेगा? डोर लॉक कहाँ पे लगेगा? आवाज हो रही है भाई, मैं कट्टा उठा के रखता हूँ। मेरे को वो भी तो नहीं मिला ना, उसको क्या कहते हैं, वेपन की। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इसके अंदर मैंने, ओह ठीक, गैसोलीन है भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है। और मैंने आई थिंक सो दो तीन जगह एक्सप्लोर नहीं किए, मुझे ऊपर जाना है एक बार। और ये कैसे बंद होगा भाई, मुझे इसको देखना है, ये कैसे बंद होगा? इसका ही कुछ है, फिर मुझे वहां पिल्ले पे जा, पिल्ले के पास कुछ मिलेगा, क्योंकि मीट भी वहां पे रखी हुई है और यहाँ पे कुछ तो नहीं रखा हुआ है। और ये क्या है? ओके ये क्या, एक सेकंड को, आई नीड अ रेंच। ओके रेंच, ओके मुझे पता है रेंच कहाँ है, रेंच का मेरे को पता है रेंच कहाँ है। दादी आ जा, और भाई उसको मैं नहीं मारूंगा। और यहाँ पे व्हील रखा हुआ है, मेरे को बोट एस्केप करने के लिए सारी चीजें मेरे पास है, बोट एस्केप आई थिंक सो। भाई ये क्यों चिल्लाता है? आ जा, उसको मैंने मारा, अब दादा आएगा। दादा जल्दी आ जा, कहाँ पर है पाजी? ओह आ जा, क्या कर रहा है? अब मेरे को रेंच, रेंच मेरे को रेंच ढूंढना है। दादी हट जा। ओके रेंच ये रहा, और फटाफट से इसको मैं ऐसे करता हूँ। भाई ये बहुत अच्छी जगह में है पता है। ऑलराइट दरवाजा बंद। ओ गाइस एक बात बताऊं, मैं बच्चे को मार तो सकते, लेकिन अगर मैंने बच्चे को मार दिया ना, ग्रैनी मेरे पीछे पड़ जाएगी। और जो मैंने मीट फेंका था वो पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया है। ग्रैनी को मैं एक और बार मार देता हूँ, फिर मैं इसको मारूंगा, वरना मेरी ग्रैनी पीछे पड़ जाएगी ना भाई, वो दिक्कत है। बस ग्रैनी के बच्चे को मार दे तो ग्रैनी पीछे पड़ जाती है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन मेरे को पता नहीं है। ग्रैनी को भाई एक और बार मारते हैं, फिर दादा आएगा, दादा को भी मारेंगे, फिर किसी को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये चिल्लाता कितना भाई है। यहाँ पे कोई चीज भी नहीं है, मैं छुप सकता हूँ भाई, कितनी अच्छी जगह छुपने की। ये आ क्यों नहीं रही है? मैं थोड़ी आवाज करता हूँ, ग्रैनी का बेकार वाला पियानो बजाता हूँ मैं। अब तो आनी चाहिए भाई, क्यों नहीं आ रही है? मैंने क्या बिगाड़ा ग्रैनी का, यहाँ छुप जाता हूँ मैं। ओके ग्रैनी आई, इसको मारा। दादा आजा जल्दी, दादा। हाँ ओहो मत किया कर भाई, मुझे जब नहीं एमओ दे उसको मार के आता हूँ तेरे बच्चे को बेटा। लेकिन भाई अगर मुझे मारना तो नहीं था, लेकिन उसका मीट वो वाला बंदा खा गया। तू आजा बच्चे, ये ले। ओए मेरी एमओ दे, नहीं मेरी एमओ दे बच्चे। ये कौन रो रहा है? क्रोबार। ओ नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड बच्चे भाई मेरा वो दे दे प्लीज। ये ग्रैनी रो रही है गाइस, अगर बच्चा की बॉडी डिसअपियर नहीं होगी ना तो मेरे को एमओ नहीं मिलेगी। बच्चे की बॉडी मेरे को डिसअपियर करनी पड़ेगी भाई, मैंने मेरे को एमओ नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि बच्चे की बॉडी डिसअपियर होती है कि नहीं भाई, ग्रैनी जैसे ही जिंदा होगी वो यहाँ पर आएगी पक्का। यार ये बंदा कितना बदतमीज है यार। मैं वैसे एस्केप कर सकता हूँ पता है, अगर मेरे पास क्रोबार हाथ में है तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे बस बॉक्सेस खोलने हैं, और फिर बॉक्स खोल खोल के ना मैं पैडलॉक की आ जाएगी, फिर बॉक्स हटा हुआ कहते हैं, जो प्लैंक्स हटाने डोर से बस भाई। लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा डे नहीं है ना, अगर रिस्क से गलती से अगर मैं मर जाता हूँ तो भाई एस्केप भी नहीं होगा। ये बच्चे की गलती है सब। ग्रैनी का रोना बंद हो गया, आवाज करके देखता हूँ मैं। भाई जैसे ही बुलेट गई है ना मेरी, मुझे इतना डर लग रहा है ना इन लोग से। ओए 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 नहीं नहीं नहीं, दादी दादी, ओ माय गॉड, आई वाज भाई एक इंच क्लोज था, एक इंच। मैं नहीं हूँ यहाँ पे, अरे जाना रे। शायद ये अपने बच्चे को भूल गई गाइस, ये अपने बच्चे के पास जाइए कि नहीं, उसकी बॉडी अभी तक नहीं गई यार। जा रही है। बच्चे को वहां से हटा और मेरे को वो दे, क्या दे, क्या कहते हैं उसको, वो टूल भाई वो चाहिए, इसकी एमओ, उसका पार्ट से हेडशॉट मारूंगा मैं। ऑलराइट जा रही है ये, आई थिंक सो अब वो जा चुकी है। तो गाइस मेरे पास एक ही चारा बचा है, क्रोबार लेके भागो, क्रोबार लेके भाग 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 भाग, बस भाई भागना ही बचा है मेरे पास, और कुछ बचा नहीं, क्योंकि भाई एमओ तो गई काम से मेरी। और यहाँ पे मैंने आवाज की तो ग्रैनी पक्का यहाँ पे आएगी, तब तक मैं यहाँ पे छुप के बैठ जाता हूँ। दादा आया, मेरे को दादा दिखा, दादा से बच के मैं भाग जाता हूँ भाई, दादा के हाथ में को नहीं मरना अभी। ये क्या रखी है? प्रो सेफ की यहाँ पे रखी हुई है, कम ऑन मैन, आर यू किडिंग मी। पैडलॉक की ये है, सेफ की मेरे को पता चल चुकी का रखी है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नहीं पता, ग्रैनी वहां पे है। ऑलराइट ग्रैनी नीचे जा रही है, और सेफ की का काम मेरे को नहीं पता क्या है। ग्रैनी अगर यहाँ से नीचे जा रही है तो मेरे को आई थिंक सो यहीं से मेरे को भी नीचे जाना चाहिए, पर वो सेफ की मेरे को पता नहीं है कहाँ पे लगेगी। दादा को जाने देते हैं, दादी भी वहीं पर है। ओ माय गॉड,
और बस आई डेटा पैडलॉक की। भागो 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 भाई, इनसे बचना है मेरे को बस। ये क्या गिरा दिया मैंने? ओए नहीं नहीं मैं क्या ओ ब्रो ग्रैंडपा डांस कर रहा है। दोनों आए भागना पड़ेगा मेरे को। अब बस बचा ही क्या भाई, मैं तो भाग गया हो गया। हे बे फुर्रे, हो एस्केप, यस 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 हो गया भाई। मेरे को यकीन नहीं था अपने ऊपर कि लास्ट दिन पे मैं एस्केप कर जाऊंगा। और देखो भाई दोनों मेरे को ढूंढ रहे हैं, यार कहाँ गया वो भाई। तुम्हारी गलती, तुमने ध्यान नहीं दिया, अब लड़ो भाई तुम लोग। अच्छी बात है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे ना सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई बहुत अच्छा था यार, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तभी मैं एस्केप कर पाया। तो फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।